सम्यक तो है, लेकिन कर्णानियों की अपेक्षा से इसी श्रद्धालु की चार अवस्थाओं का वर्णन है। उस प्रकार के जीव के भी परिणाम होते हैं, वो है एक तो मध्यात्म है, दूसरा सम्यक तो है ही है, लेकिन बीच में जो अवस्थाएं होती हैं वो है सासागर और चौथी है सम्यक विख्यात। ये गुण स्थानों के भी नाम है, लेकिन वो जीवों के परिणाम के अनुसार उनका नामकरण किया गया, ये हमने देखा था। अभी इसके बाद हम चारित्र गुण को देख रहे हैं। चारित्र गुण को देखने के पहले उसके साथ साथ कर्म जो है कौन सा मोहनी कर्म, उस मोहनी कर्म के भी हमने दो भेद देखे थे, एक दर्शन मोहनी और एक चारित्र मोहनी। तो चारित्र मोहनी की जो अगर भेद किए जाए, देखो यहाँ तो ऐसी अच्छी बात है कि जो जीवों के परिणाम का नाम है वही चारित्र मोहनी या दर्शन मोहनी कर्मों के नाम, यानी जो मूल प्रकृति है वो तो मोहनी है, उसकी कर्म प्रकृति है दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। फिर उस दर्शन मोहनी जो भेद है जो हमने कल देखे थे कौन से, जीवों के परिणामों के लिए इसी टाइप का था। वैसे चारित्र मोहनि के भी जो भेद हैं, चारित्र मोहनि के भेद कितने हैं कोई जानते जानते हैं? चारित्र मोहनि कर्म के कितने भेद हैं? हाँ जी, चार। कौन बता रहे आप? अच्छा, कौन से चार हैं? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ।
महोदय क्या बोलते हैं राजू पहुंचे सभी करो सभी मान लो सब सभी भेषो सभी राजू में ऐसा कहेंगे हम पहले तेरे मम्मी को पूछते हैं फिर बोलो रोल और मान द्वेष है और माया और लोग राग चल जाए देखो हम जब हमें द्वेष होता है किसी के प्रति तो क्रोध आता है कि जैसे डॉक्टर साहब को मेरे मन मेरे लिए आ रहा है तो मैं देख रहा हूँ तो क्या हो गया वह द्वेष है क्रोध जो होता है वो द्वेष होता है और क्रोध के साथ क्या है मान मान के तुम क्या समझे मेरे गली में आ जाओ फिर बताऊंगा ये कैसा मान कैसा है ये भी द्वेष रूप होता है और मायाचारी जब जीव करता है तो वो क्यों मायाचारी करता है तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए राग है और लोभ भी वही चाहिए लोभ भी कैसा है राग रूप है हमें पैसे का लोभ है तो हमारे पैसे के प्रति द्वेष है इसलिए हम उसको इकट्ठा कर रहे हैं खाते हैं ऐसे हर बात खाना भी खाते हैं मैं आपसे पूछता हूँ ये बिल्ली देखी है ना आपने तो बिल्ली जो है वो चूहों को खाती है तो द्वेष से खाती है या राग से खाती है क्या है तो ऐसे हमें सोचना है और आगे जाएंगे आश्चर्य रति गलति शोक भय विगुप्सा स्त्री वे पुरुष वेद और नपुंसक ये जो नौ नौ कषाय है अभी नौ नौ कषाय तो क्या होता है कि आजकल के बच्चे ना सारे इंग्लिश का नहीं है तो नौ कषाय में कषाय नहीं है ऐसा मानते हैं लेकिन नौ कषाय का अर्थ है नो यानी एन ओ नो नहीं नौ का अर्थ किंचित किंचित यानी कुछ समय के लिए होते हैं अधिक काल के लिए नहीं होते हैं इसलिए उनको किंचित कषाय कहते हैं उसका नाम है नो कषाय देखो देखो हास्य भी एक नो कषाय है तो आपको हंसने को बोला तो कितने दिन तक आप हंसते रहोगे थोड़े टाइम में या हमें किसी प्रति जो अगर कोई समझ लो कि रति होती है शोक होता है अपने घर में कोई गुजर जाए तो एक दिन को शोक करे फिर खाना खाए कि नहीं तो ये जो कषाय है अभी सब जब लगा लेना सबको लगा जाए बैठे टाइम हो जाए तो किंचित कषाय का अर्थ है बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए जो होते हैं ऐसे जो नौ नौ कषाय है उनमें राग रूप कौन से और द्वेष रूप कौन से हैं अभी कौन बताएगा जैसे टाइम की मीटिंग में नाम बोले गया क्षमा क्षमा राग रूप कौन से होंगे और द्वेष रूप कौन से होंगे सोचना है उसमें क्या है बहुत आसान बात है पद्माता यहाँ बताइए सोचना पुरुषों में कोई बताना चाहेगा मयूर भाई आए थे ना कहाँ पे थे हाँ आप कहीं सबसे भाई नहीं तो वो बहुत सर पिछला भी सर यस अभी देखो मैं आपसे कहाँ बोल रहा हूँ हास्य रति हास्य रति पुरुष में धरी हाँ पुरुष में धरी स्त्री में ये क्या है राग और नपुंसक में बहुत अच्छा बताया तुमने फिर से हम सोचते हैं देखो हमें जो हास्य होता है और जो रति रति यानी किसी चीज की हमें अच्छा लगना उसके प्रति प्रीति होना ये रति है जैसे आजकल आप क्या रति किसमें है हापुस की केड़ी में अभी यहाँ से हमें लेके जाता है कितना अटला रुपया किलो मैं तो अटला माला रहा ये कैसा है रति ये राग रति और हास्य और तीन वेग ये कैसे हैं राग रूप है और जो और चार कौन से रहेंगे अरति
सारे द्वेष रूप है। जुगुप साहब का अर्थ आपको शायद नहीं मालूम होगा, जो यहाँ गुजराती लोग आए हैं उनको समझाना तो बहुत आसान है। ये जिन्हें कहवा है गुजराती में चित्री चढ़े, इन्हें जुगुप साहब चित्री चढ़े इतने सो अभी मैं बता तो आप बॉम्बे वासी लोग हैं या अन्य गाँव के हैं, आज ब्रिटिश कैंट के उधर खड़े हैं और बिल्कुल बस आगे खड़ी हो जाए और आप अपना जगह किधर है देखने के लिए खिड़की के पास जाए और इतने में कोई वहाँ से वॉमिट करे और वो अपने हाथ में आए तो आपके परिणाम कैसे हो गया आपको दिखता है, इसको जो गुस्सा बोलते हैं। और क्या रह गया गुस्सा हास्य रति प्रति शोक भय जुगुस भय मालूम है आपको चुका है ये सारा अर्थ है। ये सारे कैसे हैं द्वेष रूप है, मैंने चार देखे ना तो अभी क्या देखा देखो 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 ये चार में से क्रोध मान ये द्वेष रूप है और ये चार ऐसे ये द्वेष रूप हो गए और वो पांच और वो दो सात ये कैसे हैं राग। ये हमने कषायों के भेद देखे। देखो शास्त्र में जब जब कषाय कहने में आएगा तो कषाय का अर्थ राग द्वेष है ऐसा समझना और राग द्वेष की जब बात चलेगी तब उसमें क्रोध मान माया लोभ इंक्लूडेड है। यहाँ तक की बात समझ में आई है? हाँ कल किसका मेघा कौन है आई है आप समझ में आया बेटा दूसरे दो का नाम भूल गया क्या है बराबर समझ में आया बेटा नहीं आया तो कुछ ना हो हाँ क्योंकि हम यहाँ सीखने आए केवल टाइम पास करने के लिए नहीं और बाहर जाके खेलने के लिए तो जरा भी अब आगे तो ये जो है क्रोध मान माया और लोभ ये जो है इनको चार में विभाजन किया है उनका नाम है अभी आपने बोला था फिर भी मैं बता के बोलूं बोल के दिखाऊंगा अनंतानुबंधी क्रोधमान माया हो तो प्रत्याख्याना वरण क्रोधमान माया हो प्रत्याख्याना वरण क्रोधमान माया हो और संज्वलन क्रोधमान माया हो। अभी इसका अर्थ को हम देखने को चालू करेंगे। देखो अनंत अनुबंध यानी अनंत कर्मों का अनुबंध करते हैं ऐसे जो जीवों के परिणाम है उसको अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ कहते हैं। दूसरा नाम क्या है भाई साहब दूसरा नाम क्या है अप्रत्याख्याना वरण अप्रत्याख्याना वरण क्रोध मान माया लोभ। अभी इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। प्रत्याख्यान का अर्थ जानते हैं जैसे कि तैयार जानते हैं बोलो बहुत अच्छा। प्रत्याख्यान का अर्थ है त्याग। तो वो प्रत्याख्यान यानी इसमें जरा भी त्याग नहीं हो सकता ऐसे जीवों की जो परिणाम है उसमें जो निमित्त रूप से वो प्रत्याख्यान वर्णीय क्रोध मान माया लोभ कर्म है। पहले थोड़ा थोड़ा सुन लेना कि सबके हम बिल्कुल एक दूसरे को चिपका के आपको बात क्लियर कर देंगे। और प्रत्याख्यान और क्रोध मान माया लोग यानी क्या जो त्याग करने में विशेष ऑब्स्टेकल नहीं आते यानी अधिक बाधा नहीं आती मैं समझा नहीं सकता और सच वो इस टाइप के जीवों के परिणाम और वैसे ही कर। अब चौथा जो है वो संज्वलन ज्वलन यानी क्या जलना और संज्वलन यानी मंद मंद जलन यानी ये कैसे है तो मंद मंद परिणाम है उसको कहेंगे संज्वलन क्रोध मान माया को। यहां तक बात समझ में आई साक्षी बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं तो ये क्या बताना चाहते हैं हम थोड़ा सा इसको उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करें। देखो ये तो कर्मों की जो उपस्थिति है इसको
उपनिषद से कहा है कि जो क्रोध मान माया लोभ के परिणाम है वो 6 महीने से अधिक टिकते हैं उनको क्या कहेंगे? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। इसका उदाहरण मैं देता हूं, क्या कहा कि ये भाई साहब गए वर्ष आए थे और मुझे गाली दे दी गई। कब याद कब किया जाए? 1 साल। तो 6 महीने से अधिक हो गया कि नहीं? अरे ये जो है ना, ये मानवचंद मेरे बेटे की शादी में आया था, उस समय उसने इतना खाना खाया सब लोगों को कम पड़ा। अभी उसके बेटे की शादी आने लगी, अभी इस टाइम तो उसको बुलाएंगे। तो हमने कितने साल की याद रखी? 20 वर्ष। ये क्या है? अनंत आप आए नहीं थे तो आप चौदह में दुलाई नहीं करें कहा बोले। ये मैं आपको अनंतानुबंधी क्रोध मान, ये इसने मुझे कितने 50 साल के लिए गाली दी थी। देखो आज क्या हालत हो गई थी, और हमने चुपचाप सुन ली, कुछ बोले नहीं, हम देखो कहाँ चढ़ गए। ऐसा होना चाहिए आई इन मान, इस तरह सबने लगा है। ये जो घड़ी मैंने बिना की ये घड़ी 30 साल पहले चोरी की, आज तो उसको पता है। ये चोरी कब करता है? लोभी होता है तभी करता है, और रोज उसको देखता है तो मैंने चोरी की। परिणाम चालू है। ये कैसे है? अनंत अनुबंध करने वाले हैं हर समय। ये ऐसे परिणाम है कि इस जीव को संसार में रखड़ाने के लिए कार्यभूत है। इसलिए कहते हैं ये विख्यात जो है और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ जो है वह जीव को सम्यक नहीं होने देते। जीव के परिणाम भी ऐसे ही है और कर्म भी वैसे ही है। ये दोनों साथ में समझ लेना। जब तक इस जीव के अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ बाकी है ना, तब तक उसके सम्यक दर्शन नहीं होगा। हमें तो ध्यान निकालना है ना भाई, तो इसलिए शास्त्रों में भी कथन आता है, लोग एक दूसरे को माओ माई ऐसा ही उपदेश देते हैं कि तुम कषाय कम करो। लेकिन कषाय कम करना यह जीव की अधिकार की बात नहीं है। उसको कषाय कम करने हैं तो क्या कर सकता है कि वह जीव अपने स्वभाव का स्वरूप का यथार्थ निर्णय करके उसी में एकाग्रता करेगा तो वहां जो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ रूप जो कोई उसके कर्म है वह वहां उपस्थित नहीं रहेंगे, उसका अनुदय होगा। द्रव्यादि जो कहेगा उसका अभाव हो गया, करना जो कहेगा अभाव है, सत्ता में है, कभी उपशमित है कभी क्षमक्षम है। देखो जहां जो कथन होगा उस कथन को हमें समझना चाहिए। हमने खाली एक द्रव्यादियों भी पढ़ के रखा है और दूसरा कोई बात करता है तो है ऐसा है ऐसा मत करना। अन्य भी अनुयोग है और अन्य अनुयोग भी जिनेन्द्र भगवान के दिव्य ध्वनि में आए हैं। ख्याल में आया? देखो मजे की बात पूछो, आप लोग बोलते हैं सब में ऐसा लग रहा है। कुछ साल पहले हंसा मैदान थी शायद, यहाँ पर उज्ज्वला कर्णानियों का विषय ले रहे थे। इतने में एक महिला आई, उनको कहने लगी कि तमें गुरु अभी हिंदी में बोलते, आपने गुरुदेव को कभी सुना है? एक बार नहीं सुना है? अरे भाई बहुत बार सुना है। गुरुदेव ने कभी कर्णानियों की बात कभी छेड़ी नहीं थी। आप क्या खुद को बहुत शाना समझते हैं क्या कि आप कर्णानियों की बात करते हैं? उसने कहा आपकी बात तो सही, मैं आपसे क्या पूछना है कि गुरुदेव भविष्य काल में तीर्थंकर होने वाले हैं, इस बात में आपको भरोसा है क्या? नहीं, क्या बात करते हैं? हमें गुजराती अच्छी, हमें क्या हिंदी थोड़ा अच्छी? ऐसा बोलो, हम जरूर मानते हैं। तो उसने कहा तीर्थंकर होंगे तो उनकी दिव्य ध्वनि तो होगी क्या? नहीं, हाँ बिल्कुल होगी। तो उसमें कौन
चारों गति के जीव आते होंगे मेरे डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। आप क्या कहते हैं भाई साहब? आप क्या कहते हैं? एक को तोड़ दिया आप, तीन गति के जीव आते हैं, कौन नहीं आते हैं? नरक गति का कोई नहीं आता है। अरे नरक गति की इतनी सी मिट्टी यहाँ लाके रखो ना तो 12 दोस्तों जैसा दुर्गंध फैलेगा कि हम जिंदे नहीं रहेंगे। क्या बात कर रहे हैं? हो सकते क्या राजा भोपाल में जाके देख क्या स्कंड क्या हुआ है? वो तो हाँ वो तो मिट्टी भी ऐसी ही है। तो वहां के सारे देवगति के मनुष्य गति के और कीर्ति गति के असंख्यात जीव वहां होते हैं। देखो जगत तो कितनी छोटी और कितने असंख्यात लोग। तो क्या कहा? ये सुनते हैं तो उनमें 700 लघु भाषा है और 18 महाभाषा है। ये ऑटोमेटिक ट्रांसलेट कर 700। तो अपनी बात क्या चल रही थी? अभी उस समय जो होगी, अभी उसमें क्या है, उस समय अंग्रेजी में नहीं होगी शायद, है ना, फ्रेंच नहीं होगी। अब वो जो होगी वो आप और हम भी नहीं जानते होंगे। 2000 साल पहले जो कुछ निकली होगी, संस्कृत होगा, प्राकृत होगा और कोई जो भी होगी होंगे। जो अप्रयोजनपूर्ण बातें हैं उसमें हम टाइम गंवाएंगे तो दिन माने तो इतनी अगाध है। और सच कहो तो मैं भी नहीं जानता, मुझे मेरा अज्ञान प्रकट करने में कोई कमी नहीं है। लेकिन ये बात निश्चित है, शास्त्र में तो इसका स्पष्टतः उल्लेख है। अगर आपको चाहिए हो तो देवगुरु शास्त्र की ज्ञानदाता जी की जो पूजन है उसको पढ़ लीजिए। बिल्कुल 8 या 12 लाइन की जयमाला है और उस जयमाला में ये बात निश्चित रूप से है। ज्ञानदाता जी तो स्वामी जी के फॉलोअर नहीं थे, इतना तो जानते हैं। कोई बात नहीं, अपनी क्या बात चल रही थी? ये जो कुछ चल रहा है वो दिव्य ध्वनि जब निकलेगी उस दिव्य ध्वनि में कोई अनियोग का कथन नहीं होगा। लेकिन गणगणों ने ये सारी बात सुनी और उन्होंने 12 अंग की रचना की तो उसमें कर्णानियोग आया होगा कि नहीं? अरे उसके बाद देवीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कौन? आचार्य देवीचंद कैसा है? सिद्धांत चक्रवर्ती यानी चक्रवर्ती जो होते हैं वो षटखंड का आधिपत्य प्राप्त करते हैं और इन्होंने तो षटखंडागम लिखकर चक्रवर्ती का पद पाया। ऐसा हो गया सिद्धांतों के चक्रवर्ती थे वो। कैसे थे? तो कहते व्यक्ति सत्य महाव्रत के धारी थे। वो अपने घर की बात लिखी होगी ना उन्होंने, मन की बात क्या जिनेन्द्र भगवान की बात लिखी जो उन्होंने बात बताई वो लिखी। भाई हमें किसी का पक्ष होवे ना तो बात आगे सोचती है। इसलिए पद भी ऐसा है, अरे जिया जगत होके की टाटी। क्या कहते हैं? अरे जिया जगत होके की टाटी, झूठा उद्यम लोग देखा था।
अनंत अनुबंध करे ऐसे परिणामों को अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग कहेंगे, और वो जो कर्म है उनको अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग ही कहेंगे, वो कर्म करना पड़ेगा। और वो कितने हैं? 6 महीने से अधिक काल तक जो टिके रहते हैं। देखो एक ही परिणाम 6 महीने तक नहीं टिकेगा, हो वैसे के वैसे, वैसे हर समय पर्याय बदलती है और हर समय पर्याय में वैसे के वैसे उससे अधिक तीव्रता थोड़ी बहुत कम करता, लेकिन वो क्वालिटी कौन सी है? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया। उसके बाद है अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोध मान माया लोग। तो क्या कहा? तो ऐसे जो जीवों के परिणाम है उसको
सकल संयम को धारण करने नहीं देते। ये मैं आपको पहले बहुत स्थूल रूप से बता रहा हूं, आप डिटेल में जाएंगे हम घबराना मत। यानी जो मुनिराज होते हैं उनके कितने कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, हमने तो बहुत बार बताया था। क्षमा एक नहीं कषाय चौकड़ी का अभाव है मुनिराज का। अरे ठहरो ठहरो, एक रोटी देखो कैसा प्रेम है, अलंकार बन गए हो पीछे। आप हाथ भरे रखो ना, आपकी आंख बोलती है कि आप क्या बोल रहे हैं। इसीलिए हमेशा वक्ता को जरा ऊपर की जगह दी जाती है कि लोगों के मन में कौन सी बात चल रही थी, और खास करके मेरे से तो कोई छू नहीं सकता। बताया उन्होंने तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, एक कषाय चौकड़ी की मौजूदगी है, विद्यमानता है, तैयारी है। तो ये तीन जो है ना, एक दो तीन, तो जिसके अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ है उसको सम्यक पद नहीं होगा। तो उसकी चारों ही मौजूद है, जिसकी ये निकल गया है सम्यक तो हुआ है, और जिसके दो प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संतुलन है, ऐसे जीवों के व्रत नहीं सम्यक है। फिर जिसके ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, तो प्रत्याख्यान भी निकल गया और ये भी निकल गया, तो वो प्रत्याख्यान और संतुलन का उदय है, उस जीव के अनुव्रत धारण करने के परिणाम होंगे। और जिनके प्रत्याख्यानावरण तो प्रत्याख्यानावरण और अनंतानुबंधी तीनों का उदय नहीं है, ऐसे जीवों के संज्वलन का उदय है, ऐसे जीव सकल संयमी है, वह मुनि अवस्था। और ये जो संज्वलन क्रोध मान माया लोभ है, वह जीव को यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति नहीं होने देता, यानी परिपूर्ण विकलांगता होने नहीं देते। अब इसको मैंने बहुत स्थूल रूप से आपको समझाया, अभी हम थोड़ा सा उसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। देखो आप में से बहुतांशी लोग श्रवण बेलगोला गए होंगे कि नहीं? हाँ, ये श्रवण बेलगोला की जो बाहुबली जी की मूर्ति है वो कभी बनाई थी याद है आपको? किसको मालूम है? करीबन 1000 वर्ष पहले। तो जहां वो भगवान जी की मूर्ति है उसके बाजू में ऐसी जो शिला है उसके ऊपर लिखा है क्या? श्री गंगाए सुक्ताए करवेले, श्री चामुंडराए करवेले। तो खुदा हुआ है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, कार्विंग किया। आज भी जाके देखो तो हमको लगेगा कल ही तो ये खुदा हुआ। तो मैं आपसे पूछूंगा वो जो खुदाई की है जिसको कार्विंग कहते हैं वो कब मिटेगी? पहले जैसा पत्थर कब होगा? बहुत काल की बहुत काल। तो ये बहुत काल से नष्ट होते हैं ऐसे जो जीवों के परिणाम है उसको अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ है। देखो अभी आपने कभी नहीं होंगे बताया ना, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा और डिटेल आपको बताना चाहता हूँ। देखो ये दर्शन भूमि कर्म यानी मिथ्यात्व कर्म है, अगर उसके अधिक से अधिक कोई बंधन करेगा तो कितने काल का होगा? मम्मी आप बताएंगे? दर्शन मोनी कर्म जो है विख्यात, अगर अधिक से अधिक उत्कृष्ट बांध देगा तो कितने काल के लिए बांधता है? सिंते गुजराती में सिंते, मराठी में 70, हिंदी में 70, इंग्लिश में 70, कोड़ा कोड़ी सागर। और चारित्र मौनी कर्म जो है उत्कृष्ट में उत्कृष्ट कितना लंबा बांधेगा? तो 40 कोड़ा कोड़ी सागर। 40 कोड़ा कोड़ी बात तो अनंतान में तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे जो, लेकिन बहुत काल के बाद। तो हमने क्या देखा, जैसे पत्थर पर हम लकीर खींचते हैं और वह बहुत दिन तक रहती है टिकती है, वैसे ही अनंतान बुद्धि ये कंपेयर करते हैं उसमें हार्शनेस जो है या उसमें जो अधिक काल टिकने की जो क्षमता
जल्दी झाड़ जैसे जैसा बड़ा हो जाएगा वो वश हो जाएगा। तो वो परिणाम कैसे है, ये तो बहुत सख्त है, उससे ये थोड़े से नरम है। और ये अप्रत्याख्यान क्रोध मान माए लोग कैसे हैं कि जैसे रेत होती है ना, रेत ये चौपाटी पे हम जाते हैं, तो रेत के अगर कोई ऐसी लकीर खींच दे लकड़ी से तो कितने टाइम लगेगी, जल्दी जाएगी इन कंपेरिजन में अप्रत्याख्यान क्रोध मान माए। बात कह जाती है और संज्वलन क्रोध मान माए लोग कैसा है, वो कहते हैं आप तो इसमें स्कूल में जाओ और हाथ में बड़ी लकड़ी ले लो और उधर से एसी लाइन खींचो तो वहां से यहां तक आओगे तो वहां की लाइन मिक्सअप हो जाएगी। तो वो संज्वलन क्रोध मान माया लोग जो मुनिराजों के होते हैं तो उनके परिणाम कितने कोमल होते हैं, उनके परिणाम कितने थोड़े वक्त के लिए होते हैं, उनके जरूर पात्र जीवों के लिए लिखने के परिणाम होंगे, शास्त्र लिखने के परिणाम होंगे, उपदेश देने के परिणाम होंगे, तो वो ऐसा सत्कार्य करेंगे। लेकिन कितने दो तीन घंटे लगातार नहीं, अंतर्मूलक में स्वरूप में लिखता करेंगे। अरे शास्त्र में एक स्टैंजा लिखना है जिसको गाथा कहते हैं, वो तो लिखते लिखते न मालूम कितनी बार स्वरूप में लिखता होता है, स्वरूप में लिखता करते हैं। तो ये ऐसी बात है, वो कैसे है संज्वलन क्रोध मान माया। अभी जब जब हम कहते हैं तो ये जो पत्थर की लकीर है, ये जो झाड़ के ऊपर की जो कोई हमने खुदाई की है और इसके बाद जो रेती पे जो कोई हमने लाइन खींची है, ये ऐसे टाइप के परिणाम मुनिराजों को होते ही नहीं, ये मुनियों का स्वरूप है। ख्याल में आया, अरे मुझे बुलाया नहीं और तुमने यहाँ पूजा चालू कर दी, क्या समझ रखा है तुमने, बोलने वाले को कोई नहीं बोलता है, लेकिन बोलने वाला क्या बोलता है ये बोलने वाले का कार्य है। क्योंकि हमें सच्चे देव सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र का जब तक सही निर्णय नहीं होता है तब तक वह जीव सम्यक्त्व धारण करने में असमर्थ है। हमें किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, लेकिन हम गड्ढे में न गिरे इसके लिए सावचेत कर रहे हैं, यानी चेतावनी दे रहे हैं। आया देखो जिनवानी माता का हमारे ऊपर ऐसा उपकार है। देखो अभी हम यहाँ से अभी हम तो ये सारा अननोन एरिया है और हम रात में यहाँ से वहां जा रहे हैं कुछ काम के लिए और हाथ में हमारे पास एक टॉर्च है और सबसे जो भी समझो, तो जो टॉर्च है वो टॉर्च हमें क्या सिखाएगा, सामने जो गड्ढा है वो बताएगा, वो बताएगा कि नहीं तुम गिरो या मत गिरो, लैंडर बताएगा क्या भी गिरो नहीं गिरो क्या बताएगा, अरे वो तो दिखाई दे रही है, गिरना नहीं गिरना उसको लान के जाना है बाजू से जाना है तुम्हारा काम। वैसे जिनवानी हमें वस्तु का स्वरूप बताती है, सच्चे देव गुरु शास्त्र का स्वरूप बताती है, सात तत्वों का स्वरूप बताती है, निश्चय व्यवहार का स्वरूप बताती है, निमित्त उपादान का स्वरूप बताती है, चार भावों का स्वरूप बताती है, छह सामान्य गुणों का स्वरूप बताती है, उसको हमें आत्मसात करना या नहीं करना ये हमारे अक्ल के ऊपर डिपेंडेंट है। कोई तुम्हें बताने वाला नहीं कि ऐसा करो ना वैसा करो, ये तुम्हारा डिस्क्रेशन होगा कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए दौलतराम जी कहते हैं जो चाहो अपनो कल्याण, अगर तुझे अपना कल्याण करना है तो जिनवानी का इन डिटेल अभ्यास करो, हित अहित की बात सोचना ये तेरा कार्य है, जिसके हित अहित नहीं है वो कैसा है हमने देखा ना, अज्ञान मिथ्या जो है फिर से मैं कहता हूँ वो किसी व्यक्ति विशेष की बात यहाँ नहीं चल रही। ये जो जीवों के जो परिणाम है वो परिणामों से वह जीव कैसा है यह हम सोच सकते हैं, हम किसी को सर्टिफाई नहीं कर सकते कि तू विद्या के तू समय के तू पांच साल बच गए तू फला है तू फला है। ये तो हमें ये
क्योंकि यह जिनवाने का अभ्यास तो अपने स्वयं के लिए करना है, ना पर को समझने समझाने के लिए। ठीक है, तो अभी क्या बात हो रही थी, ये चार प्रकार के परिणाम हमने देखे। अभी तो ये अनंतानुबंधि और बाकी के ये चार है ना, क्रोध मान माया और लोभ, तो ये चार है, इसके लिए उसको चौकड़ी कहते हैं। ये महाराष्ट्र के लोग आए हैं वो तो जानते होंगे, चांडाल चौकड़ी होते हैं, हिंदी लोग भी जाते हैं। ये चौकड़ी है, ये चार, ये चार क्रोध मान माया लोभ, और ये चौकड़ी के में चार अलग अलग प्रकार है, एक अनंतान बुद्धि, एक प्रत्याख्या प्रत्याख्या। तो तब आप थोड़ा सा और डिटेल में हम समझना चाहेंगे। देखो यहाँ पर क्या बात बताते हैं, यहाँ पर कहते हैं कि जब जब किसी जीव के अनंतानुबंधि क्रोध मान माया लोग मौजूद है, हृदय में आ रहे हैं, ये कर्म की भाषा है, और उसके परिणाम भी वैसे है, तो उसके साथ में ये अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संज्वलन ये भी उसके साथ है, है और है। देखो कभी भी क्रोध का उदय किसी के आता होगा तो उसके, अगर वो विद्यार्थी है तो उसके निश्चित रूप से अनंतानुबंधी क्रोध, तो प्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध और संज्वलन क्रोध, ये चारों ही क्रोध का उदय आएगा और हम कहेंगे उसका क्रोध का उदय हो रहा है। लेकिन वो बांधेगा किसको? मैं पूछ रहा हूं कितने कर्मों को बांधेगा? कौन से चार? अनंतानुबंधी और प्रत्येकन प्रत्येक, बस यही मैं चाहता था। आप बांधोगे तो सोलह ही सोलह बांधोगे। क्रोध का उदय है, जीव क्रोध कर रहा है, बांध रहा है क्रोध मन माया लोभ, और स्वयं से अनंतानुबंधि और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संज्वलन, कितनी पावर है बोलो आपके पास? उदय एक का तो बांध रहे सब, उसमें वो संज्वलन क्रोध में आपका सॉरी नौ लोग का शायद लेना हो, लेकिन अभी उसको हम काउंट करते हुए बात करें। ये बात ऐसी जिनके ये नहीं है, अनंतानुबंधि नहीं है, उनके ये अप्रत्याख्यान क्रोध प्रत्याख्यान क्रोध और संज्वलन क्रोध का उदय है और बाद में बाद इस तरह से नीचे समझ लेगा। ये अनंतानुबंधि जो है वो अनंतानुबंधि को डबल एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ये मैंने शब्द दिया है, शास्त्र में नहीं मिले। डबल एजेंट का अर्थ क्या होता है? कि इसके भी साथ मिले और उसके शत्रु पक्ष में भी मिले, दोनों को, दोनों को साथ में रहे। शत्रु पक्ष यानी आपके कोई शत्रु है यानी आपका अपोनेंट है, उसके साथ भी मिलना, दोनों का काम है। यानी क्या? वो तो चारित्र होनी यानी जीव के परिणामों को भी ऑब्स्टेकल करता है, घातता है तो, और सम्यक्त्व को भी घातता है, यानी वह मिथ्यात्व में जाने के लिए कार्यकारी है। एक्चुअली उनका काम क्या है? क्रोध मान माया लोभ की उत्पत्ति करना। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं, उसके कारण जीव मिथ्यात्व में भी जा सकता है। कैसे? तो जो जीव औषमिक सम्यक दृष्टि है उसके तो तीन भेद हो गए ना, वो कौन से कौन से? तीन भेद दर्शन होने के मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व प्रकृति सम्यक प्रकृति सम्यक प्रकृति, ये तीन और अनंतानुबंधि क्रोध मान माया लोभ, इनका वहाँ उदय नहीं है, वह उपशमित है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अनंतानुबंधि क्रोध मान माया लोभ जैसे किसी एक का उदय आवे और वह जो साधन सम्यकों में जाए या दूसरे प्रस्थान के नीचे आ और वहाँ से नियम से मिथ्यात्व में जाए, इसलिए वो दोनों काम करता है, मिथ्यात्व को तोड़ने का भी काम करता है, सम्यकों को जो घातने का भी काम करता है, वो क्रोध मान माया लोभ यानी कषाय उत्पन्न करने का भी कार्य करता है। मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा आपको इस
कल विषय इसलिए नहीं लिया, सुबह आप जरा फ्रेश होंगे तो बहुत सारी बातें समझोगे, और दूसरे पीरियड में हम इसको और थोड़ी सी बताएंगे। मैं समझता हूँ मान लिया कि 20-25 महिला आएंगे, 50 को आ रही मत होना, क्योंकि बात तो ऐसी है। देखो हॉस्पिटल में आप कभी दाखिल हुए कि नहीं? अच्छा है, लेकिन आपकी पहचान के घर के कोई को किसी को एडमिट किया होगा कि नहीं? तो वहाँ पेशेंट होता है एक, डॉक्टर होते हैं 4-5, उसके असिस्टेंट वार्ड बॉय ये वो मजा हो जो होते हैं तो वहाँ जाओ, यानी एक का ऑपरेशन करना है तो 10-12 स्टाफ होता है, लेकिन आपके सबके पेट मैंने खोल के रखे हैं, स्ट्रेचर पे सुलाया है, इतने पेशेंट है और मैं अकेला एक डॉक्टर हूँ। अभी आप स्ट्रेचर छोड़ के भाग जाओगे तो बचाए भगवान तुम्हें, वो मेरी जिम्मेवारी नहीं, क्योंकि ऑलवेज हाफ नॉलेज इज डेंजरस। ख्याल में आया, अगर हम दूसरे क्लास में दोबारा आएंगे तो और आपको अधिक उसका खुलासा मिलेगा और बात आपके गले जरूर उतरेगी। अभी आपको नक्की करना है आने का है कि नहीं? ख्याल में आया, तो देखो फिर से हम देखते हैं इसी को और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। आप लोगों को गुणस्थान का अभ्यास नहीं है इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, कोई बात नहीं, इसको हम समझें। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि देखो ये अनंतानुबंधी जो है तो ये सारे जाने के बाद दशाएं जाते हैं, ये बात हमको देख रहे थे। लेकिन कल हमने देखा था कि अभी भी जिसके विचार को बाकी है, ये यहाँ ऊपर लिखा है विचार को, जिसके विचार को बाकी है तो उसके अविरति भी है, प्रमाण भी है, कषाय भी है और योग भी है। जिसके विचार को निकल गया है उसके अविरति है, यानी वो अविरत सम्यक दृष्टि है, उसके विचार हो गया है सम्यक तो है, फिर भी उसके अविरति है, प्रमाण है, कषाय है और योग है। फिर उसके बाद जिसके प्रमाण है उसके कषाय भी है और उसके योग भी है, जिसके प्रमाद निकल गया है उसके कषाय भी है और योग भी है, जिनके कषाय निकल गए हैं ऐसे के योग बाकी है। कल आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया था पीछे से किसी ने कि योग होते हैं ऐसे जीव कौन से देखे थे हमने? 13वें गुणस्थान वर्ती अरहत अवस्था के जीव, वे कैसे हैं? तो कहते हैं सहयोगी, लेकिन उनकी योग है तो नीचे के चार होंगे नहीं? क्या है? नहीं, उनकी कषाय नहीं क्योंकि वो परिपूर्ण वितराग है, वे प्रमाद ही नहीं है क्योंकि छठे गुणस्थान में नहीं है और उसके नीचे के गुणस्थान में नहीं है, अविरति नहीं है क्योंकि वो ऊपर के गुणस्थानों में। इस तरह से हमें ध्यान में रखना, तो हमने क्या देखा, अभी आपको एक बात बताना चाहता हूँ। तो एक उदाहरण के माध्यम से आपने गिरीश भाई का बताया, तो एक दफे क्या हो गया, मुझे पैसे की बहुत गरज पड़ी, तो मैंने सोचा किसके पास जाए, सवाई भाई के पास जाए, नलिन भाई के पास जाए, बल्लू भाई के पास जाए, इतने में आप भी करती आपने कहा क्यों पंडित जी क्या बात है, आप बहुत चिंतित लग रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ साहब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या मुझे कुछ पैसे की जरूरत है? क्या बात कर रहे हो आप, और रोती सूरत शोभा नहीं देते, कितना 1 लाख रुपये दो? मैंने कहा नहीं साहब 1 लाख रुपया तो नहीं चाहिए मुझे, कितने चाहिए? तो हमने कहा हमें 5 नौ चाहिए, यानी 99,999 रुपये मुझे चाहिए, कितने? 99,999। अब भी देता हूँ चलो, इतने में ऐसा बोल रहे थे तो घर में से पीछे से आवाज है, पीछे से पंडित जी जरा पूछो अंदर क्या बात है, किसको पैसा दे दे पंडित को, कोई भरोसा है क्या? ये पंडित लोग कब बदलेंगे उसका कोई चांस नहीं, ठिकाना नहीं। मैंने प्रॉमिस किया
नहीं, आपको मैं तो पैसा तो दे रहा हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताओ आप वापस कब करोगे? मेरा साल एक महीने के अंदर आपको चाहिए तो ब्याज के साथ सब पैसा नहीं, ब्याज नहीं चाहिए मुझे, मूल रकम भी आगे तो बहुत हो गया। मेरा ठीक है, उन्होंने 99,999 रुपये, तो मैंने कहा आपने कितने दिए? 5 नवड़े दिए। क्या बोलते गुजराती समझते हैं? 5 नवड़ा आ गया, 5 9 99,999, 5 9 आए तो 5-6 दिन हो गए पैसा लेके तो हम चलेंगे। 5-6 दिन जाने के बाद 1 9 रुपया लेके मैं उनके पास गया और वो बोला साहब आपसे हमने 5 9 लिए थे, ये 1 9 वापस ले। तो मैं आपसे पूछता हूँ मैं इसमें से कौन सा नव काटोगे, ये वाला बीच वाला या कॉर्नर का? मैं आपसे पूछा जो आप बोलो काटेंगे, क्योंकि 5 दिन दे दिया ना आपका, हमें बीच वाला काट लो या साइड वाला या उस साइड वाला? बोलो 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 इधर का लेंगे आप? ये नहीं बोलते हो आप, बहुत उदार है जी साहब। 1 9 को हटाएंगे तो आपको 90,000 का नुकसान होगा, उसमें 9 रुपये कम क्यों? इसको आप काट दो तो रह गए कितने? 9,999 लेंगे कि नहीं? अभी यही फर्क है। और हम क्या करना चाहते हैं, ये जो मिथ्यात्व है ये मिथ्यात्व की वैल्यू 90,000 है, ये जो अविरति है उसकी वैल्यू 9,000 है, ये जो प्रमाण है उसकी वैल्यू 900 रुपया 900 है, ये कषाय है उसकी वैल्यू 90 है 90, और योग है 9। और हम तो ऐसे शूरवीर हैं कि पहले योगा करना चाहते हैं, अयोग करना चाहते हैं, जो कि 3 काल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो अनंत वीरधारी ऐसे जो अनंत चतुष्टय से युक्त ऐसे जो हमारे भगवान है सर्वज्ञ है केवी भगवान है, वो योग को नहीं डाल पाए। और तू कौन सा दुष्पर्थ आया कि तू योग को हटाना चाहते, योग ने अटैक कर दिया, हम तो कषाय उनको कम है। अरे भगवान, अरे कषाय उनकी विद्यमानता तो हो या कषाय उनका सद्भाव तो हो, वो तो 10वें स्थान के अंत तक रहता है। ये जो मणिराज है 6 साल के गुण स्थान पर थी, उनके भी संजलन पुरोत्मान मायरों के नामक कषाय मौजूद है, और हम तो कषाय ओछा करना चाहते हैं, कषाय कम करना चाहते हैं। अरे तेरे पास कषाय कम करने की हिम्मत है तो पूरे हटा देना, पूरे हटा दे, क्यों कम क्यों करना चाहता है, पूरा ही नष्ट कर देना। लेकिन वो नष्ट करने के लिए तुझे श्रेणी माननी पड़ेगी, श्रेणी मानने के लिए तुझे मुनि अवस्था धारण करनी पड़ेगी, मुनि अवस्था धारण करने के लिए तुझे सभ्य को प्राप्त करना पड़ेगा, और सभ्य को प्राप्त करने के लिए तुझे लघु जैन सिद्धांत और प्रवेशिका पढ़ना पड़ेगा। हम तो अपने ही गाने गाएंगे साथ ख्याल में आया भाई, ये तो गुरु किल्ली है, मास्टर की जिसको कहते हैं, चाहे जो शास्त्र को लगाओ खोलो पढ़ो और आनंद लूटो, और अपने स्वयं का निर्णय करो कि मैं तो ज्ञान स्वभावी हूं, राग करना ये मेरा स्वभाव नहीं है। समय साल ने तो उसको वो राग को तो पुद्गल कहा, ख्याल में आया क्यों कहा? क्योंकि पुद्गल को देख देख के इसको राग भी सकते हैं, कैसा कुर्ता पहना तूने, ये क्या सफेद है तेरा, क्या चल रहा है? लेकिन उसको कुछ नीचा दिखाना है, उसको कुछ खराब बोलना है ना, उसका है कुर्ता भी क्या उनका है, क्या कुर्ता किसका है? आपका है क्या? आपके बड़े भाई का बोलना चाहिए। पढ़ के एक बात तो